आप मीडिया वालों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने देखा ये जो म्युनिसिपल विभाग है ये गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको जागने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सैलानी ब्रिज जो है उसके पास का एरिया है, जहाँ से 2 से 2.5 लाख गाड़ी डेली क्रॉस होती है, जहाँ से 50 से 60 हजार लोग डेली गुजरते हैं, जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बुजुर्ग गुजरते हैं, जहाँ से बीमार लोग गुजरते हैं। आपने देखा मलेरिया कितना फैला हुआ है, डेंगू कितना फैला हुआ है, मेरे पीछे आप गंदगी देख रहे हैं, ये गंदगी सैलानी ब्रिज में। और ये गुस्सा हमारा कारण गुस्सा करने का इसीलिए है, बाबा अंबेडकर साहब की एक मूर्ति के सामने बिल्कुल इतना गंद पड़ा हुआ है, जिन्होंने देश का एक संविधान ठीक किया। आज शर्म आती है मुझे म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट को, एक मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप गहरी नींद से जाग जाए, चाहे वो सैलानी पुल हो, चाहे वो पंजा चौक हो, चाहे वो सिटी हो, आप अपनी जो नेग्लिजेंसी है, जहाँ पे गंदगी हमेशा पड़ी रहती है वहां से सफाई जल्दी करें। आज सुबह से 11 बज रहे हैं, आप मैं पूछना चाहता हूँ म्युनिसिपलिटी के ईओ साहब को, कहाँ पे हैं आपके वर्कर, कहाँ पे आपका वर्कर जो सुबह 7 बजे उठ के सफाई करता है, कहाँ पे आप बड़े बड़े वादे करते हैं, स्वच्छ भारत का अभियान का हम काम कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को क्यों हुई महात्मा गांधी जी के दिन, इनको क्यों याद आता है सफाई करने का, तो आज तक सफाई देखो, आज डेली बेसिस में सफाई होनी चाहिए, बट ग्राउंड में कोई काम नहीं है। कागजों में बताया जाता है बड़ी बड़ी बातें, म्युनिसिपलिटी ने आज ये करवाया, म्युनिसिपलिटी ने ये करवाया, बट ये म्युनिसिपलिटी टोटल जो है फोटो सेशन के लिए है, ये ग्राउंड में कोई काम नहीं कर रही। मैं म्युनिसिपलिटी के डायरेक्टर साहब से अपील करूंगा, आपको भी आप इनको जगाए गहरी नींद से, म्युनिसिपलिटी ईओ हो जाए या वर्कर हो जाए, इनको गहरी नींद से जगाए। और लास्ट में मैं अपने डीसी साहब अभिषेक साहब जो एक होनेस्ट और डेडिकेट अफसर है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, म्युनिसिपलिटी की जो है बुरी हालत हो चुकी है, इन वर्कर्स की जो 7 बजे तक, आज 11 बज रहे हैं, 7 बजे ड्यूटी होती है, वो आज तक नहीं उठे, बट कहीं ना कहीं म्युनिसिपलिटी जो है वो मिल बगड़ के चलती है, तभी अभी तक 11 बज रहे हैं, कोई भी नहीं है। डीसी साहब से अपील करूंगा इन पे नकेल खींचे, ताकि ये लोगों की जो बीमारियां जो लगाने पे लगे हैं वो बीमारियां रोक ना हमें लगे, हम थोड़ी देर आराम से जी पाए रजौरी में। शुक्रिया संविधान। सबसे पहले तो मैं म्युनिसिपलिटी की जो बाग है इसकी कड़े लफ्जों में निंदा करता हूँ, और जब मैं सुबह खुद आता हूँ यहाँ पे और बाबा साहब की प्रतिमा में पे आता हूँ, तो जब म्युनिसिपलिटी बाग इनका आता है, मैक्सिमम जो टाइम ही होती है इनकी 9-10 बजे वहाँ पे पहुंचते हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ भाई आपको किसने बोला कि इधर, जब पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की डील है कि जब आप दारू की बोतलें यहाँ पे आ रही हैं तो बीच में इनकी थोड़ी कमी है, जब दारू की बोतलें बाबा साहब के प्रतिमा के आगे फेंकी जाती है, मैं नेकलाइज ही बोलता हूँ, इनको नलायक बोलता हूँ कि सही इनके ऊपर संजा नहीं कसा जा रहा। और मैं लास्ट एक डीसी साहब से अपील करता हूँ कि जो ये गंद पड़ा हुआ है और म्युनिसिपलिटी बाग के ईओ साहब को सही तरह से निकेल कसी जाए, ताकि यहाँ पे गंद ना डाला जाए, एक यहाँ पे नहीं पूरे रजौरी में, पंजा चौक हो या बाजार में हो गया, यहाँ पे है गंद ना हो, या अगर गंद होगा तो हमारे वातावरण खराब होगा और लोगों को बीमारी लगेगी। याद ना कुछ बोलते हुए जय भीम जय भारत जय संविधान।